चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री मोदी से लेकर योगी, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की जनसभाएं, रैली और डोर टू डोर कैंपेन होना है। कोई नेता महाराजगंज कुशीनगर में जनता को लुभाएगा तो कोई बलिया संत कबीर नगर में अपने पार्टी के पक्ष में वोट मांगेगा। बता दें कि इस चरण में 57 सीटों पर मतदान कराया जाएगा, जिसके लिए कुल 656 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। तो आपको बता दें कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से चुनावी माहौल चल रहा है, जबकि बीते फरवरी में कुल 5 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं और अब छठे चरण की बारी है, जिसको लेकर तमाम पार्टी के दिग्गज जनता को साधने के लिए डोर टू डोर कैंपेन के जरिए, जनसंपर्क के जरिए अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं, जिसको लेकर लगातार सभी पार्टी के दिग्गज कुशीनगर, गोरखपुर में जनसंपर्क कर रहे हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए बलिया से हमारे संवाददाता अखिलेश जुड़ गए हैं। तो अखिलेश जी, 3 मार्च को बलिया में चुनाव होना है, जिसको लेकर तमाम पार्टी के दिग्गज लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, तो आज बलिया में कौन से दिग्गज आने वाले हैं? आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है और बलिया में 2017 में 7 विधानसभाएं हैं, जिसमें 5 विधानसभाएं बीजेपी जीती थी, और जिस तरह बलिया में दिग्गजों का जमावड़ा हो रहा है, आज प्रधानमंत्री और जैसे तमाम दिग्गज यहां पे जुट रहे हैं, क्योंकि कयावत यह है कि बीजेपी जिस तरह 2017 में जो 5 सीटें जीत के गई थी, कम से कम कयावत है कि सारी सीटें निकल जाए। भाजपा लगातार बात कर रही है कि उसने बीते 5 साल में विकास कार्य किए हैं, तो बलिया में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने से क्या कुछ फायदा जनता को मिला है? आपको बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बलिया तक अभी कई इस मुद्दे के लिए कई बार उपेक्षा किया गया, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेस बलिया तक नहीं आया, जनता में इस वजह से रोष है कहीं ना। और बीजेपी कई बार हर जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने कहा कि बहुत जल्द लिंकवे रोड बलिया तक दे दिया जाएगा। लगातार भाजपा ये बातें कर रही है कि उसने 5 साल में विकास कार्य कराए, तो क्या लगता है कि प्रत्याशियों के विकास कार्य से, अब भाजपा के विकास कार्य से जनता खुश नजर आ रही है या फिर जनता में रोष देखने को मिल रहा है? आपको बता दें, जिस तरह की रोष की बात करें तो महंगाई और बेरोजगारी ये बड़ा मुद्दा है, लेकिन लाइन ऑर्डर है जिसको बीजेपी हमेशा ट्रंप कार्ड और जो भी बातें हैं इस वजह से अपनी कर रही है। अखिलेश जी, आप लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के मुद्दों को समझ रहे हैं, तो इस बार बलिया की जनता का क्या मुद्दा है? देखिए, बलिया का भी एक ये मुद्दा रहेगा कि महंगाई और बेरोजगारी एक मुद्दा बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये लाभार्थी हैं राशन अनाज वाला, ये मामले कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं और बार बार इसे अनाज के लिए हर जो भी प्रत्याशी जा रहे हैं इसके लिए गल्ले के लिए बार बार इस पे जोर दिया जा रहा है। लगातार बलिया की अगर बात की जाए तो तमाम दिग्गज भी जुट रहे हैं और आज पीएम मोदी भी आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि पीएम की जनसभा में लोग कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे? आपको बता दें, प्रधानमंत्री के द्वारा बलिया के 7 विधानसभाएं हैं, 7ों विधानसभाएं के लोग आएंगे और काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, और देखने के बाद यह होगा कि 10 मार्च ये उत्साह कितना कन्वर्ट होता है ये मतपेटिका में 10 मार्च। पीएम मोदी को दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन कितना कुछ अलर्ट नजर आ रहा है, पुलिस ने क्या कुछ तैयारियां कर रखी है? प्रशासन की तरफ से एकदम पुख्ता इंतजाम किया गया है, गाड़ियां जो भी बड़ी गाड़ियां हैं उनको 5 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जा रहा है, और यातायात और पुलिस और सारे व्यवस्था, पुलिस सुरक्षा कर्मी से लेकर सारे व्यवस्था तुष्ट एवं दुरुस्त है। बात अगर बलिया की करी जाए तो बलिया में कुल 5 विधानसभा सीटें 2017 के चुनावों में भाजपा के खाते में आई थी, तो भाजपा के सामने इस बार क्या कुछ चुनौतियां उभर कर सामने आ रही है? विधानसभा वाइज बता दे तो इस समय सिकंदरपुर विधानसभा जैसे है कि वहां इस समय सुभाषपा से मिलने से संजय यादव वहां बीजेपी से प्रत्याशी और सपा से जियाउद्दीन रिजवी हैं, लेकिन आंकड़े अभी भी जैसे है कि बीजेपी वहां से बढ़त दिख रही है। आपको क्या जो भी बलिया में योगी मोदी लहर का असर देखने को मिलेगा या फिर वहां की जनता इस बार साइकिल को रफ्तार देगी? देखिए, महंगाई बेरोजगारी मुद्दे और लॉ एंड ऑर्डर कई डिपेंड करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो छोटे वर्ग है, दलित है, क्योंकि बीएसपी यहां से कहीं ना कहीं
कमजोर नजर आ रही है। तो ये वोट बैंक किधर कन्वर्ट होते हैं, दलित वोट बैंक, ये डिपेंड करता है। धन्यवाद अखिलेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम आपको बता दें कि अब उत्तर प्रदेश में छठे चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर लगातार तमाम पार्टी के दिग्गज जनता के बीच जाकर जनता के लिए जनसंपर्क कर रहे हैं, प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने की अपील कर रहे हैं डोर टू डोर कैंपेन के जरिए, जनसंपर्क के जरिए। जबकि अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और अब छठवां चरण यानी कि पूर्वांचल में चुनाव होना है। तो अगर बात करी जाए तो ऐसा माना जाता है कि प्रदेश की सत्ता का रास्ता पूर्वांचल से होकर जाता है। जिसने पूर्वांचल में फतेह हासिल कर ली वो उत्तर प्रदेश की सत्ता काबिज करने में सक्षम होता है। और यह भी माना जाता है कि अगर बात पूर्वांचल की करें तो पूर्वांचल का प्रवेश द्वार बस्ती को कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी पार्टी का दिग्गज बस्ती से चुनाव जीत रहा है सरकार भी उसी की बनती है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर 10 मार्च को जनता ने किसके सिर पर जीत का ताज पहनाया है। बताते चले कि आगामी 3 मार्च को यूपी में छठे चरण में चुनाव होना है, जिसको लेकर प्रचार का बिगुल तेजी से बज चुका है। इसी कड़ी में आज तमाम पार्टियों के दिग्गज, फिर चाहे वो अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, मायावती हो, मोदी हो, ये सभी आज तमाम पार्टी के दिग्गज लगातार आज जनता के बीच जाएंगे, जनता को साधने की कोशिश करेंगे। वहीं भाजपा के सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि भाजपा अपनी 2022 में भी 2017 की ही तरह जीत दर्ज करे। जबकि अगर बात सपा की जाए तो सपा लगातार 5 साल में भाजपा सरकार पर सवाल उठा रही है। सपा सरकार ये भी आरोप लगा रही है कि भाजपा ने 5 साल में कोई भी विकास नहीं किया है, जबकि इससे उलट भाजपा लगातार अपने बीते 5 सालों के विकास कार्यों को गिनाकर जनता को अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रही है। लगातार अगर रैलियों में देखा जाए तो भाजपा यही कह रही है कि डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के साथ साथ देश का भी विकास किया है। जबकि अगर बात अखिलेश यादव की जाए तो अखिलेश यादव अक्सर रैलियों में ये कहते हुए नजर आते हैं कि डबल इंजन की सरकार जो है वो फेल होती हुई नजर आ रही है। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का खेल इस वक्त चुनावी दौर में चल रहा है। सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल लगाकर जनता को अपने खेमे में ला रही है और यही कोशिश कर रही है कि इस बार प्रदेश की सत्ता उनके हाथ में आ जाए, फिर चाहे वो बसपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो या भाजपा ही क्यों ना हो। जबकि भाजपा के सामने इस बार एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है कि उसे 2017 का प्रचंड जीत का आंकड़ा 2022 में भी बरकरार रखना है। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए गोरखपुर से हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं। तो हिमांशु, गोरखपुर पर इस वक्त सबकी निगाहें टिकी है क्योंकि ये हॉट सीटों में इसका नाम शुमार है, तो आज गोरखपुर में कौन कौन से दिग्गजों के जुटने की उम्मीद है? यहाँ पे एक रोड शो करने जा रहे हैं, जिसके साथ ही साथ उनके साथ अमित शाह रहेंगे, गृह मंत्री, और इसी के साथ एक और प्रोग्राम भी है उनका खजनी में ही, और राकेश बहादुर जैसे रहेंगे यहाँ पे मौजूद रहेंगे। जी अगर बात की जाए तो गोरखपुर में पहली बार योगी आदित्यनाथ विधायकी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इसके सियासी मायने क्या सामने निकल के आ रहे हैं कि आखिर उन्हें चुनावी मैदान में क्यों उतारा गया है? देखिए, इसके पहले जब भी 5 बार वो सांसद रहे हैं, इसके बाद वो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो विधान परिषद से थे, वो विधानसभा से लेके और दोनों में से किसी एक में होना जरूरी है। ऐसे में इस बार वो विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इसी के मद्देनजर वो अपने गृह जनपद जो कि उनका कार्य क्षेत्र भी है गोरखनाथ मंदिर का गोरखपुर, यहाँ पे पूरी ताकत अपनी झोंक रहे हैं और आज एक रोड शो कर रहे हैं जिसमें अमित शाह के साथ मौजूद रहेंगे। बात अगर गोरखपुर की जाए तो ये हॉट सीटों में इसका नाम शुमार है, और जबकि अगर बात की जाए तो इनके योगी के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो इसके क्या मायने निकल के सामने आ रहे हैं? देखिए, चंद्रशेखर आजाद ने पहले ही कहा था वो मथुरा से लड़े, काशी से लड़े या कहीं से लड़े, हम उनके जहां से भी योगी लड़ते हैं हम उनसे वहीं से लड़ेंगे चुनाव। ऐसे में गोरखपुर से जब पीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना पर्चा दाखिल किया और यहां से घोषणा की लड़ने की, तो इसी के साथ चंद्रशेखर आजाद ने भी अपना पर्चा दाखिला कर यहीं से अपना चुनावी सफर शुरू कर दिया है। योगी लगातार गोरखपुर की जनता के बीच जाकर जनता से संवाद कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि वहां की जनता बीते 5 साल के योगी के काम से संतुष्ट नजर आ रही है या फिर किसी अन्य पार्टी का वहां परचम लहराएगा?
देखिए सदर सीट की बात की जाए तो यहाँ पे तो योगी का बोलबाला है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि कायस्थ वोटों का जो समीकरण है वो 95,000 के आसपास है, जो कि बीजेपी का मुख्य वोट माना जाता है। लगभग इसी के साथ निषाद वोट भी है, जिससे इस बार भाजपा ने गणित खेल दिया है कि निषाद पार्टी से गठबंधन करके, जो कि 35,000 के आसपास लगभग है निषाद वोट। जी, अगर 2017 के आंकड़ों की बात की जाए तो 9 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें भाजपा के कब्जे में आई थी, भाजपा ने जीत दर्ज की थी, तो क्या लगता है कि बीते 5 साल के योगी के काम का असर इस बार के चुनावों में देखने को मिलेगा? जी, इस बार टक्कर की लड़ाई योगी के गृह जनपद में नहीं है, गोरखपुर में नहीं है, लेकिन हाँ ग्रामीण क्षेत्रों में जरूर है। ग्रामीण क्षेत्रों में गया कंकरगंज में, वहां पे काजल निषाद है, फतेह बहादुर सिंह जो की भाजपा उम्मीदवार है, उनके पक्ष में उनका उम्मीदवारी है, तो उसमें टक्कर है। यहाँ ग्रामीण गोरखपुर ग्रामीण में विजय बहादुर और का भी जो सफाते हैं उनसे भाजपा की पूरी टक्कर की लड़ाई है। जी, लगातार योगी जी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो उन्होंने गोरखपुर का विकास किया है, गोरखपुर की जनता के लिए बहुत काम किया है, तो अगर विकास किया है तो इस बार और कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता मतदान स्थल पर जाएगी और वोट देगी? देखिए मुद्दे यहाँ पे जो कि बीजेपी बता रही है कि हमने अपराध मुक्त किया, भय मुक्त किया, हालांकि इसको जनता भी मानती है कि हाँ गोरखपुर में अपराध मुक्त हुई है, पूरी तरह से यहाँ जो बदमाशी थी, गुंडागर्दी थी, वो खत्म हो गई है, और यूपी में भी वो दावा करते हैं, और इन्हीं सब मुद्दों के साथ राम मंदिर है, 370 है, इन मुद्दों के साथ योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में अभी से कुछ ही देर बाद 3:30 बजे उनकी एक जनसभा को संबोधित करते हुए रथ यात्रा है उनकी, जिसमें वो रोड शो करेंगे अमित शाह के साथ। हिमांशु जी, क्या लगता है राम मंदिर का मुद्दा गोरखपुर की जनता पर कितना प्रभाव डालेगा? राम मंदिर मुद्दा का सदर क्षेत्र आप बात करें, सदर क्षेत्र से जहाँ से योगी आदित्यनाथ खुद प्रत्याशी है, यहाँ पे पूरी तरह से वर्चस्व हाई है, पूरी तरह से इनका वर्चस्व है, राम मंदिर मुद्दा यहाँ हावी है और राम के नाम से ही लोग वोट देने को तैयार है। अच्छा, सीएम योगी गोरखपुर आ रहे हैं, साथ ही अमित शाह भी उनके साथ रोड शो करेंगे, इसको लेकर प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां कर रखी है? देखिए आज 3:30 बजे टाउन हॉल मैदान से नखास बख्शीपुर आर्य नगर होते हुए अमित शाह और योगी का रोड शो है, जिसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से कमर कस चुका है, LIU की टीम भी लगा दी गई है। बात अगर करी जाए कोरोना काल की, तो कोरोना काल में ऐसी काफी तस्वीरें सामने आई थी कि गोरखपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है, लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है इलाज के लिए, तो क्या लोगों के जहन में भी आज भी ये मुद्दा है? इसको लेकर क्या भाजपा सरकार के सियासी समीकरण बिगड़ सकते हैं? विपक्ष तो इस मुद्दे को उठा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी और लोग मर रहे थे, लेकिन जो भाजपा का कहना ये है, सीएम योगी का कहना ये है कि भाई हमने पूरी तरह से व्यवस्था की थी, हाँ कुछ दिक्कतें आई थी, हालांकि जो कि ज्यादा तादाद में मरीज हो गए थे, लेकिन इसका कोई यहाँ पे दिख नहीं रहा सर। हिमांशु जी, इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो आपको बता दें कि इस वक्त प्रदेश में 6ठे चरण का चुनाव होना है, जिसको लेकर प्रचार का बिगुल बज चुका है। वहीं गोरखपुर की अगर बात की जाए तो ये इस वक्त 6ठे चरण की हॉट सीट बनी हुई है, जिसपे पूरे प्रदेश की निगाह टिकी हुई है। इस दौरान सीएम योगी की बात की जाए तो सीएम योगी से गोरखपुर सदर सीट की जनता काफी खुश नजर आ रही है, उनके कामों से काफी खुश नजर आ रही है। और अगर गोरखपुर की बात की जाए तो इस सीट से योगी के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद चुनावी मैदान में उतरे हैं, यानी उन्होंने फैसला किया था चुनावों के पहले ही कि जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे वहीं से वो खुद भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। यही वजह है कि इस बार योगी के ऑपोजिशन में चंद्रशेखर आजाद चुनावी मैदान में उतरे हैं। और आपको बताते चले कि इस बार पहली बार योगी खुद विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर योगी के द्वारा किए गए 5 साल के विकास कार्य उनको जीत देने में कितने कामयाब होते हैं। भाई अगर गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर की जनता योगी के काम से काफी हद तक संतुष्ट नजर आ रही है। हमारे संवाददाता लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं, तो ऐसा सामने आ रहा है कि गोरखपुर की जनता इस बार भी योगी को ही जिताएगी। लेकिन अब ये तो 10 मार्च को ही पता लगेगा कि वाकई में ये चीज होती है या फिर इस बार किसी अन्य पार्टी का परचम गोरखपुर से लहराता है। तो 6ठे चरण का चुनावी बिगुल बज चुका है, इस दौरान तमाम ऐसी
ऐसे दिग्गज है, तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर कई पार्टियों के दिग्गज की साख दांव पर लगी हुई है, जिसको लेकर सभी पार्टियां लगातार चुनावी मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं, लगातार जनता के बीच जाकर जनसंपर्क कर रही हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं और जनता को खुश करने की कोशिश में लगी है, जनता को अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि पांच चरण के चुनाव जो है हो चुके हैं, पांच चरण के चुनाव यूपी में संपन्न हो चुके हैं और अब छठे चरण की बारी है, जिसको लेकर सभी पार्टी लगातार पूरे जोश जोरों शोरों के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए अंबेडकर नगर से राहुल पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो राहुल, अंबेडकर नगर की अगर बात की जाए तो अंबेडकर नगर को मायावती का गढ़ कहा जाता है, तो इस बार बसपा के लिए वहां से कौन सी चुनौतियां उभर रही हैं? जी बिल्कुल, ये बसपा का गढ़ माना जाता है। यहाँ से बसपा से कटहरी से प्रतीक पांडे जी उम्मीदवार हैं और यहाँ पर मायावती जी का पिछले दिनों आगमन भी हुआ था। यहाँ पर अगर कटहरी विधानसभा में वोटों की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वोट जो है दलित समाज का है, लगभग 90,000 की तादाद है वोटों की। वही अगर अम्बेडकर नगर की बात की जाए तो यहाँ पे छठे चरण में चुनाव होने हैं, यानी कि 3 मार्च को, इसको लेकर अभी तक कौन कौन से दिग्गज प्रचार के लिए आ चुके हैं? जी यहाँ पर अखिलेश आज आगमन है, इससे पूर्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आ चुके हैं और बसपा सुप्रीमो मायावती जी का भी आगमन हो चुका है और आज मनोज तिवारी सांसद भी आने वाले हैं और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद का भी आगमन आज है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां कर रखी हैं? पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरीके से अपना कमर कस चुकी है और चाक चौबंद व्यवस्था है। बात अगर 2017 की जाए तो यहाँ पे कुल 5 विधानसभा सीटें थी जबकि 3 बसपा के खाते में आई थी, तो क्या लगता है कि बसपा इस बार फिर इन्हीं सब सीटों पे जीत दर्ज करेगी या जीत का आंकड़ा घटेगा या बढ़ेगा? जी अगर अगर जीत की बात की जाए तो कटहरी विधानसभा में त्रिकोणीय लड़ाई देखी जा रही है, सपा से लालजी वर्मा है और बसपा से रितेश पांडे है और बीजेपी से अवधेश द्विवेदी है, त्रिकोणीय लड़ाई देखी जा रही है। और बाकी रही बात 4 अन्य विधानसभा की, तो वहां पर सीधे सीट टक्कर जो है सपा और बसपा के बीच ही मानी जा रही है। जी, तो आप लगातार जनता के बीच जाकर जनता के मुद्दों को समझ रहे हैं, जनता की परेशानियों को समझ रहे हैं, तो क्या लगता है कि अंबेडकर नगर की जनता बसपा प्रत्याशियों के काम से संतुष्ट है? रही बात बसपा के काम काज को लेकर, तो यहाँ पर अभी एक नव युवक है जो बहुत ही जल्द उभरे हुए प्रत्याशी है, पहली बार ये चुनाव लड़ रहे हैं, रितेश पांडे जी। आज आपके जनपद में तमाम जो दिग्गज है वो चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो क्या लगता है जनता की भीड़, जनता का सपोर्ट किसको ज्यादा मिलेगा, किसकी रैली या जनसभा में लोग ज्यादा जुटेंगे? अगर हम जनसभा की बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ पर बसपा का गढ़ माना गया है, बसपा के जनसभा में ज्यादातर कार्यकर्ता और देखने वालों की तादाद ज्यादा मानी। अंबेडकर नगर में ऐसी कौन सी हॉट सीट है जहां पर सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों की जीत दर्ज कराना चाहती है? ज्यादातर का देखा जाए कटहरी विधानसभा से कराना चाहती है। कटहरी विधानसभा सीट से इस बार से कौन कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं? बीजेपी से अवधेश द्विवेदी है और बसपा से प्रतीक पांडे हैं कटहरी विधानसभा से और सपा से लालजी वर्मा हैं। जी, इस बार की अंबेडकर नगर की जो जनता है उनका मुद्दा क्या है, वो इस बार कौन से मुद्दे पर मतदान स्थल पर पहुंचकर अपने प्रत्याशियों को वोट देंगे? मुद्दा ये खासकर विकास को लेकर सबसे पहले है और दूसरी बात जो आवारा पशु छुट्टा जानवर जो किसान के खेतों को चल लेते हैं, दूसरा मुद्दा ये, और तीसरा यहाँ की जो सड़क है उनके उनका स्थिति अगर देखा जाए बहुत ही दयनीय जर्जर स्थिति है। लगातार भाजपा सरकार ये कह रही है कि उन्होंने आवारा पशुओं के लिए गौशालाएं बनवाई है, तो इसका क्या कुछ असर अंबेडकर नगर में देखने को मिल रहा है?
बनवाए गए हैं, लेकिन उस हिसाब से कर्मचारी अधिकारीगण उस हिसाब से काम नहीं करते हैं जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। हमारा परसों खेत चल ले रहे हैं, किसान परेशान है। धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त अंबेडकर नगर की अगर बात की जाए तो वहां की जनता का भी एक ही मुद्दा है, विकास। वो विकास के दम पर ही अपने प्रत्याशियों को आगामी 5 साल के लिए चुनेगी, जो उनके साथ साथ उनके क्षेत्र का भी विकास कराए। तो इस बार अंबेडकर नगर, गोरखपुर समेत अगर बलिया, इन तीनों जगहों पर हमारे संवाददाताओं ने लोगों से जाके बात की तो सब लोगों ने, जनपद के लोगों का यही कहना था कि जो उनका विकास कराएगा वो उन्हीं को वोट देगी। वही अगर हम अंबेडकर नगर की बात की जाए तो अंबेडकर नगर में बसपा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती इस बार है, क्योंकि 2017 में बसपा को 5 में से 3 सीटें मिली थी, यानी कि 3 सीटों पर बसपा ने जीत दर्ज की थी। तो बसपा यही चाहेगी कि 2017 का चुनावी परिणाम वो अंबेडकर नगर में दोबारा से दोहराए। तो छठे चरण के चुनावी प्रचार में लगातार तमाम दिग्गज जुट चुके हैं। इस दौरान कई हॉट सीटें इस छठे चरण के प्रचार में शामिल है। वहीं अगर बात की जाए अंबेडकर नगर, गोरखपुर, ये सभी तमाम ऐसे जनपद हैं जहां पे कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। कई दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे हैं जिनके किस्मत का फैसला 3 मार्च को जनता ईवीएम में कैद करेगी, यानी कि 3 मार्च को इसका 3 मार्च को जनता तय करेगी कि आखिर उन्होंने किसको वोट दिया है, और इसका नतीजा 10 मार्च को आएगा कि आखिर जनता ने किसके सर पर जीत का ताज पहनाया है और किसको आगामी 5 साल के लिए चुना है। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए देवरिया से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रवि रावत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लगातार छठे चरण को लेकर चुनावी प्रचार में कई दिग्गज जुट चुके हैं, तो आज कौन कौन से दिग्गज देवरिया में चुनावी प्रचार करने के लिए आ रहे हैं? जी मुस्कान, मैं बता दूं कि देवरिया में छठवें चरण के मतदान के लिए सियासी घमासान काफी तेज हो गया है। आज देवरिया जनपद में सलेमपुर में योगी आदित्यनाथ जी का आगमन होने वाला है, और देवरिया के चीनी मिल ग्राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी पुरुषोत्तम नारायण सिंह के लिए मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी का भी आगमन होने जा रहा है, और देवरिया के रुद्रपुर में प्रियंका गांधी का आगमन भी होने जा रहा है। लगातार आप जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के मुद्दों को समझ रहे हैं, और अगर वही बात की जाए भाजपा कांग्रेस सबने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, तो जनता किसके मैनिफेस्टो से संतुष्ट नजर आ रही है? जैसा कि मैं बता दूं कि सभी बड़े नेता प्रचार प्रचार के लिए लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, उनके बड़े नेता जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, अपने पार्टियों के प्रचार के लिए लगातार वोट की अपील कर रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ देवरिया सदर से सल्लम मणि त्रिपाठी और देवरिया सपा से पिंटू सिंह चुनावी मैदान में अखाड़े में खड़े हैं, और देवरिया कांग्रेस से पुरुषोत्तम नारायण सिंह भी हैं जो चुनावी अखाड़े में हैं। 2017 के चुनावी नतीजे यहां से क्या रहे थे? मैम अभी तो चुनावी रणनीति सामने उभर कर नहीं आ रही है। अब लोगों में यह भी देखा जा रहा है कि मतलब भाजपा सरकार और सपा सरकार की कांटे की टक्कर चल रही है, लोग सपा और भाजपा को ज्यादा वोट देने की बात कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि इस समय जो बीजेपी लहर है वो नहीं है। रवि रावत, इस बार की जो जनता है देवरिया की, उनका मुद्दा क्या है, वो किन मुद्दों पर आगामी 5 साल के लिए अपना प्रत्याशी चुनेगी? यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा बन गया है, जनता बेरोजगारी के लिए नाखुश दिख रही है, और युवाएं भी यहाँ नाखुश दिख रही है, और बेरोजगारी के लिए काफी लोग यहाँ दिक्कत का सामना कर रहे हैं। यहाँ विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन भी काफी मुस्तैद है, और यहाँ जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष निरंजन सभी पीठासीन अधिकारियों एवं अन्य कर्मियों को दिशा निर्देश देते नजर आ रहे हैं। रवि जी, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए काफी कुछ चीजें रखी हैं, काफी कुछ चीजें उन्हें दी हैं कि चुनाव जीतने के बाद महिलाओं के लिए काफी काम किए जाएंगे, तो देवरिया की महिलाएं कितनी प्रभावित नजर आ रही है कांग्रेस के मैनिफेस्टो से? जैसा कि आपको बता दें कि सभी पार्टियां लगातार नई नई दावे कर रही हैं कि मैं चुनाव, अगर जनता मुझे प्यार देती है, आशीर्वाद देती है, मेरी सरकार बनती है, तो मैं इन वादे पे खड़ा उतरूंगा, लेकिन धरातल पे कुछ और देखने को मिलता है। जहां तक कि कांग्रेस की बात की जाए, काफी अहम मुद्दा बन गया, इसी मुद्दे पर देवरिया में सभी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। जी अगर बात की जाए देवरिया की, तो देवरिया में पूरे बात सिर्फ देवरिया की ही नहीं, अगर पूरे प्रदेश की जाए तो भाजपा लगातार कह रही है कि उसने बीते 5 सालों में कोरोना काल में लोगों को फ्री वैक्सीन लगवाई, तो क्या लोगों के जहन में आज भी ये मुद्दे हैं?
जी बिल्कुल मैम, कोरोना को लेकर तो मुद्दे हैं, लेकिन यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा ये सबसे अहम मुद्दा है। बेरोजगारी को लेकर यहाँ पर सभी लोग, मतलब युवाएं नौकरी और नौकरी पाने के इच्छुक हैं। अब इस बार हो सकता है लोग, कुछ लोगों का मानना है कि परिवर्तन भी जरूरी है। जी धन्यवाद रवि जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि इस बार अगर बात देवरिया की भी हम करें तो देवरिया की भी जनता का मुद्दा है विकास और रोजगार। देवरिया की जनता भी इस बार रोजगार के नाम पर अपना वोट देगी और विकास के ही नाम पर अपना वोट देगी। यानी अगर बात करी जाए, अभी तक हमने जिन जिन जगहों से अपने संवाददाताओं से बात की, फिर चाहे वो गोरखपुर हो, देवरिया हो, बलिया हो, अंबेडकर नगर हो, इन सभी जगहों पर जनता का मुद्दा है विकास और रोजगार। जो भी पार्टी इन्हें विकास और रोजगार देगी, ये उन्हीं पार्टी को वोट देंगे, उन्हीं पार्टी को आगामी 5 साल के लिए जीत का ताज पहनाएंगे। तो छठे चरण का चुनावी बिगुल इस वक्त पूरे प्रदेश में बज चुका है। 57 सीटों पर इस चरण में मतदान होने हैं, तो 57 सीटों पर प्रत्याशी अपना दमखम दिखाएंगे, जिसको लेकर सभी पार्टियां चुनावी प्रचार में उतर चुकी हैं, चुनावी प्रचार कर रही हैं। और बात करी जाए अगर प्रदेश चुनावों की, तो बीते 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब छठे चरण की बारी है। और छठे चरण में पूर्वांचल की सीटों पर चुनाव होने हैं, यानी कि पूर्वांचल की जनता अब अपने प्रत्याशियों की किस्मत तय करेगी। और वहीं बताते चले आपको कि उत्तर प्रदेश की सियासत में पूर्वांचल का बहुत अहम रोल माना जाता है, क्योंकि 30% सीटें पूर्वांचल से निकलती हैं। यही वजह है कि यह भी कहा जाता है कि जिस पार्टी ने पूर्वांचल पर फतेह हासिल कर ली, उसको प्रदेश की सत्ता मिल जाती है। यही वजह रही है कि लगातार सभी पार्टियां छठे चरण के चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, छठे चरण के लिए चुनावी प्रचार कर रही हैं। वही अगर इस चरण की बात की जाए तो तमाम ऐसे जनपद है जहां पर सपा और भाजपा की कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, जबकि अंबेडकर नगर में बसपा की भी कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए बस्ती से हमारे संवाददाता रजनीश जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, अगर पूर्वांचल की बात की जाए तो बस्ती को पूर्वांचल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यही वजह है कि लगातार तमाम पार्टी के दिग्गज यहां पर आकर चुनावी रैली और जनसभा कर रहे हैं। अभी पिछले हाल ही के दिनों में देश के गृह मंत्री जो है अमित शाह जी आए थे, बसपा सुप्रीमो मायावती जी आई थी, तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता आए। और तो ये बस्ती जो है पूर्वांचल का द्वार माना जाता है, यहीं से ही जो है एक पूर्वांचल का जो राजनीतिक इतिहास जो है वो तय होता है, किसके पक्ष में वोट बैंक किस तरीके से किस पार्टी के ऊपर ज्यादा जुड़ेंगे, वो यही जो है यही पूर्वांचल जो है निर्धारित करता पूरी तरीके से यूपी की सरकार बनाने। रजनीश जी, बस्ती से 2017 के चुनावी नतीजे क्या सामने आए थे? बस्ती से 2017 में जो है पूरी तरीके से 5 विधानसभा सीट है, 5 विधानसभा सीटों पर यहाँ से बीजेपी के ही जो उम्मीदवार थे उन्होंने ही सारी सीटें निकाली थी, और सबका यहाँ से मतलब जो बीएसपी था या सपा था, उन्हें किसी की नहीं जा पाई। तो राजीव जी, क्या लगता है इस बार भी बस्ती में भगवा लहराएगा या फिर किसी अन्य पार्टी का वर्चस्व देखने को मिलेगा? लेकिन अब की बार कहीं न कहीं भगवा लहरा है, ये बड़ा मुश्किल दिख रहा है। यहाँ की सिक्योरिटी लड़ाई हो रही है बसपा सपा और बीजेपी के बीच, जाहिर सी बात है बहुत ही कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है सबके बीच। अगर बस्ती की बात की जाए तो बस्ती की जनता का इस बार मुद्दा क्या है, वो किन मुद्दों पर अपने प्रत्याशी को आगामी 5 साल के लिए चुनेंगी? बस्ती में देखिए एक तरीके से कहा जाए चीनी का कटोरा माना जाता है, यहाँ कई मिले पहले पिछले समय में चल रही थी, अब इस सरकार में जो है मुडेरवा चीनी मिल को चालू किया गया है, लेकिन अभी भी और अन्य जगहों पे तमाम चीनी मिल ऐसे हैं जो बंद पड़ी हैं। पूरी तरीके से बस्ती की जनता साफ तौर पर अगर रोजगार की बात किया जाए, चीनी मिल अगर स्टार्ट होगा तो कहीं कहीं उसको एक जो बेरोजगारी है बस्ती की वो कम होगी, और बस्ती की जनता अब की बात जो है रोजगार को लेकर स्वास्थ्य शिक्षा सड़क बिजली पानी नाली इन तमाम चीजों को लेकर आपकी बात मन बना चुकी है, वोट करेगी। भाजपा सरकार लगातार कह रही है कि वो चीनी मिल में जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए काम कर रही है, तो क्या ये वास्तविकता बस्ती में नजर आ रही है? अब जिस तरीके से देखा जाए देश कर्मचारियों की बात है, तो कर्मचारी जिनकी भी सरकार बनती है जाहिर सी बात है
कहीं ना कहीं उनके फेवर में काम होता ज्यादा दिखता है, जो सरकार के निर्देशानुसार ही वो काम किए जाते हैं। लेकिन अगर बात करें अन्य किसी की यहाँ रोजगार से संबंधित या स्वास्थ्य और अन्य चीजों से संबंधित, सड़क अब जैसे कहा जाता था गड्ढा मुक्त, कई सड़कें अभी भी ऐसे गड्ढा युक्त है, तो कहीं ना कहीं उन सब चीजों को लेकर बस्ती की जनता पूरी तरीके काफी बार जाहिर सी बात है आने वाले समय में उसी की सरकार ही 3 मार्च को बनाएगी जनता, जो बस्ती की जनता के लिए और जनता के लिए ऐसा काम करे। यानी कि बस्ती की जनता के जहर में आज भी कोरोना काल से हुई मौतें, आज भी कोरोना काल में जो भी चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था थी वो आज भी लोगों के जहन में है। बस्ती की जनता देखिए, खासकर कोरोना काल में तो बस्ती ही में पूरा देश इस महामारी से परेशान था। कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में बहुत ही दिक्कतें और दंश झेलना पड़ा बस्ती की जनता को, लेकिन धीरे 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 सरकार के निर्देशों के अनुसार यहाँ सारी व्यवस्था की गई। लेकिन फिलहाल जो खामियां थी जैसे ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की इत्यादि चीजें, ऐसे भी स्थिति यहाँ पड़ी थी की इसमें पेशेंट ज्यादा होने के बावजूद अस्पतालों में जगह नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उसमें स्कूल और अन्य चिकित्सालय जो है सबको हायर किया गया और कोरोना काल में काफी ठीक ढंग से कार्य किया गया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन की कमी से जिनकी मौत हुई है, दवाइयों की कमी से जिनकी मौत हुई है, उसको लेकर उनके परिवारजनों के अंदर और अन्य लोगों के भी अंदर इसको लेकर खासा नाराजगी देखने को मिलती है। अगर बात बस्ती की करी जाए तो बस्ती को पूर्वांचल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो अभी तक कितने दिग्गज बस्ती में जनता को साधने के लिए जुट चुके हैं रजनीश जी? अब देखा जाए तो अभी तो दिग्गजों की बात की जाए तो बसपा सुप्रीमो मायावती हाल ही के दिनों में आई थी, पूरा जन सैलाब उमड़ा हुआ था। अमित शाह जी आए थे हरैया में, वहाँ भी पूरी तरीके से जो है जन सैलाब उमड़ा था। कल पीएम देश के प्रधानमंत्री आए थे यहाँ खुद, और पूरी तरीके से यहाँ भीड़ जिस तरीके से होनी चाहिए थी, जिस तरीके से जो उत्साह दिखना चाहिए था, कहीं ना कहीं खासा कुछ तो कुछ कमी तो नजर आई है। आज वही अखिलेश जो है सपा के राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी आने वाले हैं, और वही फिर कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आने वाले हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किसके जनसभा में ज्यादा से ज्यादा जन सैलाब मरता है, पब्लिक के अंदर जो उत्साह देखने को मिलता है, फिलहाल ये तो अभी आने वाला वक्त बताएगा। बीते दिनों आपने बताया कि बस्ती में बसपा सुप्रीमो मायावती भी आई थी, बीते दिनों पीएम नरेंद्र मोदी भी आए थे, तो किसकी जनसभा में जनता का ज्यादा समर्थन मिलता हुआ नजर आया था? जाहिर सी बात है, देखा जाए कि दोनों दिग्गजों के कार्यक्रम में जो कार्यक्रम हुआ था, व्यवस्था तो काफी चाक चौबंद थी, और जो देखा जाए कि जन सैलाब की उमड़ी हुई थी, कहीं ना कहीं दोनों कार्यक्रमों में जनता जो है खासा भीड़ देखने को मिला था। धन्यवाद रजनीश जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अगर बात हम बस्ती की करी जाए तो बस्ती में 2017 में जो भी चुनावी नतीजे आए थे वो भाजपा के पक्ष में निकले थे, लेकिन इस बार बस्ती में राजनीतिक समीकरण बिगड़ने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि बस्ती की जनता इस बार विकास के मुद्दे पर वोट देगी, विकास के मुद्दे पर ही अपना प्रत्याशी चुनेगी। तो इस बार बस्ती में भाजपा के सामने बड़ी चुनौती बनकर उभरी है कि भाजपा 2022 में भी बस्ती में चुनावी नतीजे जो है वो दोहराना चाहेगी। यही वजह है कि बस्ती में लगातार जो तमाम पार्टियों की दिग्गज है वो जनता के बीच जाकर जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। बीते दिनों मायावती बस्ती में आई थी, वहीं पीएम नरेंद्र मोदी भी बस्ती की जनता से जनसंपर्क करके उन्हें अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रहे थे, और इसी कड़ी में आज अखिलेश यादव भी बस्ती की जनता को साधेंगे। तो यही वजह है कि बस्ती में लगातार तमाम नेताओं का जमावड़ा लग रहा है, क्योंकि बस्ती को पूर्वांचल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यही वजह रही है कि बस्ती में कोई भी नेता प्रचार में कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है, और लगातार बस्ती में जाकर लोगों के बीच जनसंपर्क कर रही है, डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। छठे चरण का चुनावी बिगुल बज चुका है, छठे चरण को लेकर लगातार तमाम पार्टी के दिग्गज जनता के बीच जा रहे हैं। वहीं अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा अपने बीते 5 सालों के विकास कार्यों को गिनाकर, कोरोना काल में किए गए कार्यों को गिनाकर जनता को अपने खेमे में ला रही है। वहीं अगर सपा की बात की जाए तो सपा भाजपा सरकार पर विकास नहीं करने का, रोजगार नहीं देने का और डबल इंजन सरकार के फेल होने की बात कर रही है। छठे चरण की 57 सीटों पर मतदान होना है,
3 मार्च को ये मतदान होना है, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने प्रचार प्रसार के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कहीं भी कोई कसर कोई पार्टी नहीं रखना चाहती है, जनता को अपने खेमे में लाने के लिए, जनता को अपने पक्ष में लाने के लिए। वही अगर सभी पार्टियों की बात की जाए तो तमाम अगर पार्टियों का मैनिफेस्टो देखा जाए तो गरीबों और महिलाओं के लिए सभी पार्टियों ने कई कुछ चीजें लागू की है कि चुनाव जीतने पर वो महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काफी कुछ काम करेंगे। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या महिलाएं कितनी प्रभावित नजर आ रही है इस मैनिफेस्टो से, युवा कितने प्रभावित नजर आ रहे हैं मैनिफेस्टो से, क्योंकि मैनिफेस्टो ही एक पार्टियों का हथियार होता है जिसको लेकर वो चुनावी मैदान में उतरी है, अपनी आगामी नीतियों से जनता को लुभाने की कोशिश करती है। यही वजह है कि लगातार सभी पार्टियों ने मैनिफेस्टो में युवाओं के लिए कई वादे किए हैं, महिलाओं के लिए कई वादे किए हैं और गरीबों के लिए भी कई वादे किए हैं। छठे चरण का चुनावी बिगुल इस वक्त बज चुका है। छठे चरण को लेकर सभी पार्टी के दिग्गज लगातार अपना जनाधार बढ़ाने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। इस वक्त भाजपा के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है ये चुनाव, क्योंकि भाजपा 2017 का अपना प्रचंड जीत का वो आंकड़ा बरकरार रखना चाहती है, जबकि इस बार अन्य पार्टियां सत्ता पर कब्जा चाहती हैं कि इस बार भाजपा को सत्ता में ना लाने दिया जाए। यही वजह है कि अखिलेश यादव भी इस वक्त चुनावी प्रचार जोरों शोरों से कर रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। यही वजह रही है कि आज कुशीनगर में भी प्रियंका गांधी वाड्रा अजय कुमार लल्लू के लिए रोड शो करेंगी, जनता से अजय कुमार लल्लू को वोट देने की अपील करेंगी। तो इस अगर चुनाव की बात की जाए तो इस दौरान कई दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी हुई है और इस चुनाव में, छठे चरण के चुनाव में हॉट सीट गोरखपुर में सबकी नजर रहेगी, क्योंकि ये सीट से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधायकी के चुनावी मैदान में पहली बार उतरे हैं और इस बार उनके सामने चुनावी मैदान में खड़े हैं चंद्रशेखर आजाद। तो ये ऐसी हॉट सीट है जहां पर पूरे प्रदेश की निगाह टिकी हुई है, पूरा प्रदेश जानना चाहता है कि आखिर यहां से कौन चुनाव जीतता है। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। तो सिद्धार्थनगर में 3 मार्च को चुनाव होने हैं, जिसको लेकर तमाम पार्टी के दिग्गज लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। तो अभी तक सिद्धार्थनगर में प्रचार के लिए कौन कौन से दिग्गज जुट चुके हैं? जी मुस्कान, आपको बताना चाहेंगे कि सिद्धार्थनगर में विधानसभा निर्वाचन 2022 को लेकर के लगातार पार्टियों के दिग्गज आ रहे हैं और अपने अपने पार्टी को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा अभी तक रवि किशन जी आ चुके हैं, उसके बाद मनोज तिवारी आ चुके हैं, साथ ही हेमा मालिनी का भी आगमन हो गया है और आज अमित शाह गृह मंत्री का भी आगमन इटवा विधानसभा क्षेत्र में है। रवि जी, क्या वहीं पर सिद्धार्थनगर की जनता को किसका साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? अभी तो सब लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कुछ खास स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। इसमें अपने क्षेत्र में बीजेपी भी पूरी दमखम के साथ में है, सपा भी अपना परचम ठोक रहे हैं, ऐसे में कुछ भी ये स्पष्ट कहना उचित नहीं होगा कि कौन किसका यहाँ से सीट क्या निकल रहा है। बात अगर की जाए निशान तो इटवा विधानसभा क्षेत्र में जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं और वर्तमान यहाँ से इटवा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी भी बनाए गए हैं डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी, इनके द्वारा लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है। वहीं इनके विधानसभा क्षेत्र में लगातार दिग्गजों का जो स्टार प्रचारक है उनका भी आना लगातार जारी है। अभी कल मनोज तिवारी आए थे, आज अमित शाह जी आ रहे हैं। जी रवि जी, लगातार आप जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की परेशानियों को समझ रहे हैं, उनके मुद्दों को समझ रहे हैं, तो सिद्धार्थनगर की जनता का इस बार विकास का मुद्दा क्या है? जी, विकास के ही मुद्दे को ये लोग चुनाव कर रहे हैं
और जहां तक बात की जाए बीजेपी की तो सिद्धार्थनगर जिले में विकास भी किए गए हैं, नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ है, जो बदहाल सड़कें थी उसका मरम्मत कराने का कार्य लगातार किया जा रहा है। तो ऐसे में विकास के कार्य बीजेपी सरकार में हुए हैं। रही बात समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो की, तो उसमें भी कई बड़ी बातें की गई हैं जिससे जनता का रुझान कहीं ना कहीं वहां भी जुड़ते हुए दिखाई दे रहा है। जी सिद्धार्थनगर से बात की जाए तो 2017 के चुनावी नतीजे क्या रहे थे, कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी ने जीत दर्ज की थी? जी सिद्धार्थनगर से पांच विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें पांचों विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने अपना परचम लहराया था, जिसमें से सोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से अपना दल यस जो भाजपा की गठबंधन पार्टी है वहां से चौधरी अमर सिंह जीते थे, लेकिन इस बार वो आजाद समाज पार्टी से जुड़े हैं और वहां से सोहरतगढ़ से अपना दल यस पार्टी ने नए प्रत्याशी को विनय वर्मा को उतारा है। सिद्धार्थनगर से पांचों कुल मिला करके बीजेपी के खाते में रही है। तो क्या लगता है इस बार सिद्धार्थनगर की जनता को भाजपा के प्रत्याशियों का विकास नजर आया है या नहीं? देखिए जनता कुछ बदलाव के मूड में भी है और कुछ अपने प्रतिनिधियों पर पूरा विश्वास जता रही है। और सिद्धार्थनगर की बात की जाए तो सिद्धार्थनगर जिले में दो दो मंत्री प्रदेश सरकार में, एक कैबिनेट स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जो बासी विधानसभा क्षेत्र से थे जय प्रताप सिंह, वहीं पर इटवा विधानसभा क्षेत्र से बेसिक शिक्षा मंत्री रहे हैं, दो दो मंत्री यहाँ से रहे हैं। यानी भाजपा सरकार के दो मंत्रियों की भी साख इस चुनाव में दांव पर लगी है, तो इन दोनों ही क्षेत्रों की जनता का क्या मूड नजर आ रहा है? जनता, आपको बता रहा हूँ, जनता कहीं ना कहीं जो सपा सरकार द्वारा मैनिफेस्टो जारी किया गया है, अपना घोषणा पत्र जारी किया गया है कि इस तरह से मैं काम करूंगा, इतने लोगों को फायदा दूंगा, तो जनता का रुझान वहां भी जा रहा है। बाकी बीजेपी सरकार से जो कार्य हुए हैं उसको लेकर के जनता संतुष्ट भी है। रवि जी का आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि 2017 के अगर चुनाव की बात की जाए तो सभी विधानसभा सीटें भाजपा के कब्जे में आई थी, यानी कि भाजपा के खाते में आई थी, तो 2022 में भाजपा के सामने कौन सी चुनौती बनकर उभर रही है? जी देखा जाए तो इस बार जी जिस तरह से मोदी लहर था अगले विधानसभा में, इस बार पार्टी का वो चीज अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी बीजेपी ने जो अपने कार्य किए हैं उस कार्य के बलबूते पर वो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को समझा रहे हैं, अपनी विशेषताओं को बता रहे हैं, लेकिन अन्य पार्टियां भी अपने जोर शोर से लगी हुई हैं, अपना सीट निकालने के उसमें पूरा पूरा प्रयास कर रही है, अपने अपने दिग्गजों को ला करके चुनावी जनसभाएं करा रही है। धन्यवाद रवि पांडे इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अगर बात की जाए सिद्धार्थनगर की तो 2017 में भाजपा को यहां से पांचों विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी, तो भाजपा यही चाहेगी कि इस बार भी 2022 के चुनावों में भी पांचों सीटों पर भाजपा की फिर से जीत हो, लेकिन इस बार भाजपा की कड़ी टक्कर सपा के प्रत्याशियों से है। इस बार सपा के प्रत्याशी भी पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की परेशानियों को, लोगों के मुद्दों को समझ रहे हैं, तो इस बार भाजपा की कड़ी चुनौती कई जनपदों में सपा के साथ है। धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तब फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आपका पसंदीदा न्यूज़